माई चैनल सो रुचि सावन। ये आज मेरा बन रहा है एग और मतलब आलू और एग की सब्जी। ओके, जो कि मैं बना रही हूँ आज हंडिया में। और ये मेरा अदरक लहसुन और टमाटो पीली तैयार हो गई है। इधर है मेरे थोड़े प्याज जो मैंने उनको थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया है। तो अब तैयारी करते हैं सब्जी की, मतलब सब्जी बनाने की। तो मैंने सबसे पहले निकाला है मस्टर्ड ऑयल। ये देखिए मस्टर्ड ऑयल मैंने थोड़ा सा डाल दिया। मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ही मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। और मैं इसमें एक्चुअली ना खड़े मसाले नहीं डालूंगी क्योंकि वो खाते वक्त ना मुंह में आते हैं। तो मैंने क्या किया है कि सारे खड़े मसालों का एक हल्का सा पाउडर, मतलब एक पाउडर बना दिया, बहुत बारीक नहीं तो थोड़ा दरदरा सा, क्योंकि ये देख सकते हो आप, ये मैंने बना लिया है। तो अभी इसमें एक्चुअली मेरे पास जो है खड़े मसाले का मैंने एक पाउडर सा बना दिया है, दरदरा है ये बहुत ज़्यादा। तो अब जो है मैं क्या करूँगी, थोड़ा जीरा और थोड़ा मस्टर्ड और थोड़ा अजवाइन इसमें डालूंगी। बिकॉज बाहर का जो मैं आपको वेदर दिखाती हूँ, बाहर का जो वेदर देखिए थोड़ा ठंडी ठंडी सा है, तो ऐसे ठंडी ठंडी में थोड़ा गर्म गर्म चीज़ें खानी चाहिए, इसलिए मैं आज एग का झोल बना रही हूँ। ऑयल है ये अच्छे से मतलब इसमें थोड़ा सा क्या है, अच्छे से पक गया है, एक तो मस्टर्ड ऑयल था। और मैंने थोड़ा एक्चुअली चिमनी लगा दिया है, बिकॉज थोड़ा ये जो इसमें से जो ये धुआं निकल रहा है उससे थोड़ा ऑयली हो जाता है, इसलिए तो अभी थोड़ा बंद कर देती हूँ। तो वो लाइट तो मुझे चाहिए। तो अभी ये जो मेरा ऑयल हो गया है, और मैंने आँच को बिल्कुल मतलब गैस को बिल्कुल सिम कर दिया है। एक्चुअली क्या है, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है, गैस ज़्यादा लगता है बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बिकॉज़ अब शहरों में तो मैं चूल्हा ला नहीं सकती हूँ, घर पे चूल्हा है पर वो भी हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सिर्फ सर्दी के दिनों में वो मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाने के लिए। तो ये मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पंचफूटन, इसमें मेरा राई, जीरा, अजवाइन और बहुत सारी दो तीन चीज़ और है, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम उनका। तो ये मैंने डाल दिया है। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि हो जाने पर जो है ऑलमोस्ट हो गया, मतलब ज़्यादा मुझे ब्लैक नहीं करना है इसको। ये डाल दिया, देखो अब जैसे ये निकल रहा है तो इसमें हमको चीनी चाहिए। ओहो, और ये एक्चुअली मिट्टी का बर्तन है तो इसीलिए जो है मुझे वुड पैन यूज़ करना पड़ रहा है। मुझे एक्चुअली मैं वुड पैन ही यूज़ करती हूँ हर बर्तन में, चाहे मिट्टी का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे सिल्वर का हो, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल अच्छा लगता है, लाइट वेट भी होता है और इसमें ना साउंड नहीं आता है। बर्तन में अगर लगता भी है ना तो पैन वगैरह में जैसे साउंड नहीं आता, नहीं तो स्टील की अगर आप लेते हो, स्टील की कड़छी वगैरह या कुछ भी, तो उसमें क्या है थोड़ा साउंड आता है। थोड़ा अभी मैं थोड़ा आँच तेज कर देती हूँ, बिकॉज क्या होता है ना इसका थोड़ा इसको पकना है प्याज को अच्छे से, नहीं तो ये स्मेल आएगा। और यही मैंने दूसरी तरफ जो है ये देखिए आलू और ये एग सारे पील करके रख लिए हैं। बस अब इनको मैं जैसे ही यहाँ मेरा मसाला रेडी हो जाता है मैं इसको डाल दूँगी। एक्चुअली आज जो है मैं इसको ज़्यादा वो नहीं डालूंगी, क्या ज़्यादा ग्रेवी मतलब थोड़ा ड्राई ग्रेवी वाला बनाऊंगी, बिकॉज मैंने दाल भी बनाया हुआ है। तो देखते हैं, टमाटर का प्यूरी भी डाल दिया है इसमें, जिसमें कि अदरक और लहसुन का पेस्ट भी था। तो अब इसके बाद जो है मैंने अब इसको थोड़ा सा टू से 3 मिनट तक मैंने इसको ऐसे थोड़ा पकाने के लिए रख दिया है, इसका थोड़ा कच्चापन सा चला जाए। उसके बाद जो है मैं ये एक ही करके ये सारे मसाले डाल लूँगी, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये रहा हमारा जीरा, मेरा फेवरेट, और ये रहा नमक, ये सबका फेवरेट। बिकॉज आप सब्जी कितना भी अच्छा बना लो, कितना भी टेस्टफुल बना लो, वो टेस्ट लेस रहेगा जब तक आप नमक नहीं डालोगे। और ये रहा मेरा गरम मसाला, थोड़ा सा ही डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि बिना नमक के मतलब 5 स्टार में बना हुआ फूड भी बेकार है, इसीलिए नमक तो परफेक्ट होना है। और इन दिनों जो है मेरा नमक बहुत कम आ रहा है खाने में, बिकॉज मेरे हस्बैंड की कंप्लेन है कि तुम आजकल तुम्हारा बीपी लो हो रहा है तो तुमने नमक बिल्कुल ही कम कर दिया खाना। ये देखिए अभी इसको थोड़ा सा हमें पकाना है मसालों को, जैसे ये पक जाते हैं फिर उसके बाद जो है इनमें थोड़ा वो सब्जी वब्जी डालना है। मसाला रेडी हो चुका है बट अभी इसने ऑयल छोड़ा नहीं है मसाले ने, जब तक ये ऑयल थोड़ा सा आउट ना हो जाए तब तक इसको चलाते रहना है और मीडियम आंच में, क्योंकि जल्दी बड़े आंच पर रखने से क्या है ना मसाला थोड़ा जल जाता है, क्योंकि वो इतना उससे नहीं हो पाएगा। और इसका एक्चुअली मिट्टी का बर्तन है तो थोड़ा टाइम लग रहा है बट इसके टेस्ट भी तरह से ही आएगा। तो देखिए ये मेरा मसाला ऑलमोस्ट होने ही वाला है विद इन 5 मिनट, मे बी 3 to 4 मिनट। एक्चुअली मेरे सब्जियों में जो है थोड़ा ऑयल कम रहता है, मैं थोड़ा ऑयल कम डालती हूँ सब्जियों में थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से। तो अभी इधर देखिए मैंने जो है आलू को थोड़ा स्मैश कर दिया है, बिकॉज इससे क्या होगा ना इनका थोड़ा आलू का ग्रेवी भी अच्छे से बनेगा। तो अभी मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, इसको इधर डालने से क्या होगा इसको थोड़ा
इसमें क्या है कि थोड़ा ग्रेवी इसका बन जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा ग्रेवी मतलब ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ही पानी डाल के इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला और जो है वो एक आलू में थोड़ा आ जाए टेस्ट मसाले का। ये देखिए अब इसको मैं दो हार्डली 5 मिनट इसको थोड़ा बॉईल करूँगी और इसमें जो है फिर एग्स को जो है हमें थोड़ा थोड़ा ऐसा एग को ऐसे हमें थोड़ा सा कट कर लेना है, बिकॉज क्या है कट करने से जो है एग्स के अंदर भी जो है थोड़ा ग्रेवी का रस चला जाएगा, जिससे वो टेस्ट जो है ना एग का वो अंदर तक आएगा। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इसको इस तरह से चारों तरफ से आप थोड़ा थोड़ा कट कर लो। तो ये मैंने जो है एग इस तरह से चारों तरफ से कट कर लिए हैं और मैं अब इनको उसमें डाल दूंगी अपने सब्जी में। अब जो है इसमें देखिए मैंने पानी डाला था वो पूरा ड्राई हो गया है अभी, एक्चुअली इसमें मैं थोड़ा और पानी डाल दूंगी क्योंकि ये सूखने के बाद जो है ना इस तरह से आ जाएगा, थोड़ा सा पानी इसमें चाहिए बिकॉज अभी एग्स को भी ये ग्रेवी को एग्स के अंदर जाना है तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा पानी इसमें डालना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है और ये ग्रेवी जो है 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं, मतलब हम लोग तो अभी घर में 3 ही लोग हैं बिकॉज हमें राइस नहीं खाते रात को, तो हमने चपाती के साथ मैं इसको थोड़ा और थिक कर दूंगी तो आराम से जो है। एक्चुअली ये मेरा जो बर्तन है ना ये बहुत छोटा है, एक्चुअली मैंने इसमें बिरयानी बनाया था एक बार तो वो 2 लोगों से ज़्यादा नहीं मतलब बन पाया इसमें, तो नेक्स्ट टाइम मैं बाजार से सोच रही हूँ कि थोड़ा बड़ा लूँ, एटलीस्ट 4-5 लोगों का जो है बिरयानी मैं बना सकूँ दम बिरयानी। तो ये देखिए मेरी एग करी रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट रेडी नहीं हुई है, इसमें गार्निश करने को रह गया है कड़ी पत्ता नहीं सॉरी क्या बोलते हैं इसको धनिया का पत्ता, बट वो मैं बाद में डालूंगी। अभी मुझे ये पूरा किचन जो है इधर से इधर तक पूरा किचन साफ करना है, तो आपको मैं फाइनल लुक बाद में दिखाती हूँ जब मेरा ये कम्प्लीटली बनकर तैयार हो जाएगा। इस देखिए मेरी सब्जी हो गई है, मतलब अंडे की जो मैंने करी बनाई थी वो हो गई है रेडी, और देखिए मैंने किचन भी अपना कर दिया है क्लीन, हो गया है मेरा किचन क्लीन, और यहाँ रखा है मैंने धनिया पत्ता। अब जैसे ही मैं मतलब इसको थोड़ा गैस को बंद कर दूंगी और गैस को बंद करने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूंगी ताकि इसका स्मेल आ जाए, और इसके बाद जो है इसको मैं ढक दूंगी क्योंकि देखिए मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का ये है। देखिए गैस मेरा ऑफ हो चुका है पर फिर भी देखिए किस तरह से उबल रहा है, यही तो टेस्ट है एक्चुअली मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का, यही एक टेस्ट है कि वो देखिए अब इसको हमने ये ढक दिया है, अब देखिए इसमें कितना अच्छा टेस्ट, और साउंड भी सुनिए ऐसे उबलने का आवाज़ आ रहा है, और बल्कि गैस मैंने बंद कर दिया है बिल्कुल। तो गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो और एग करी तो अब आप लोगों को कैसे ट्राई करवाऊँ मैं, बट आई होप अच्छा ही बना होगा। तो और अगर आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय। और ये देखिए आज मैंने सूचे मोती की माला मुझे मिली क्लीन करते हुए, तो आज मैंने यही पहन ली कि चलो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।